नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 15 नवंबर। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार पुलिस CSBC ने 679 रिक्तियों के लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। आज से राज्य भर में शुरू हो रहा है रोजगार मेला। इन जिलों के युवाओं के लिए अग्निवीर बहाली प्रक्रिया शुरू। 10 दिसंबर तक प्रदेश की नहरों में पहुंच जाएगा पानी। भारतीय टीम में सपोर्ट स्टाफ की संख्या पर पूर्व खिलाड़ी ने उठाए सवाल। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार पुलिस CSBC ने लिए जारी किया भर्ती अधिसूचना। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल बिहार पुलिस ने प्रोहिबिशन कांस्टेबल के लिए अधिसूचना जारी किया है। इस पद के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो आवेदक को आवश्यक शारीरिक मापदंड के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार इस वैकेंसी नोटिस से जुड़ी हुई समस्त जरूरी जानकारी और आवेदन करने के लिए इस वीडियो के इसी पेज पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए वेब लिंक पर जरूर क्लिक करें। आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख 14 दिसंबर 2022 तक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट https://csbc.bih.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे ज्योति प्रकाश निराला की। आज ही के दिन 15 नवंबर 1986 में बिहार के रोहतास जिला में जन्मे ज्योति प्रकाश निराला गरुड़ कमांडो फोर्स के सदस्य थे। उन्हें जनवरी 2018 में मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था, जो भारत का सर्वोच्च शीतकालीन सैन्य अलंकरण था। वह जमीनी लड़ाई के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एयरमैन हैं और सुहास विश्वास और राकेश शर्मा के बाद इसे प्राप्त करने वाले वो तीसरे एयरमैन हैं। निराला बिहार के रोहतास जिले के बदलाडीह गांव के रहने वाले थे। उनका जन्म 15 नवंबर 1986 को यादव परिवार में तेज नारायण सिंह यादव और मालती देवी के घर हुआ था। उन्हें 26 जनवरी 2018 को आतंकवादियों से लड़ने में सेवा और बहादुरी का प्रदर्शन करने के लिए अशोक चक्र से सम्मानित किया गया था। आज से राज्य भर में शुरू हो रहा है रोजगार मेला। बिहार के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। अगर आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो राज्य के सभी जिला मुख्यालय में रोजगार मेला के माध्यम से ज्यादा शिक्षित युवाओं को काम दिलाने की तैयारी की गई है। लगाए जाने वाले इन मेलों में निजी कंपनियां जरूरत के मुताबिक युवाओं का चयन करेगी। इस रोजगार मेला में मैट्रिक से लेकर स्नातक तक के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इस मेला में देश की कुल 56 कंपनियां शामिल होंगी। इसकी शुरुआत आज से बेतिया जिले से होने जा रही है। रोजगार मेला पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए लाभार्थियों को निबंधन करवाना अनिवार्य है। 10 दिसंबर तक प्रदेश की नहरों में पहुंच जाएगा पानी। मॉनसून के महीने में भले ही कम हुई बारिश की वजह से खरीफ फसलों को पर्याप्त पानी नहीं मिल सका और फसल बर्बाद हो गई, लेकिन रबी फसलों की सिंचाई के लिए जल संसाधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पिछले दिनों विभाग की हुई उच्च स्तरीय बैठक में रबी सिंचाई को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इसमें हर हाल में जरूरतमंद खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की योजना बनाई गई है। इस बैठक में कुल 9 इंजीनियर क्षेत्र को हर हाल में 15 नवंबर तक अपने अपने क्षेत्र से सिंचाई का लक्ष्य तय कर जानकारी भेजने का निर्देश दिया गया है। वहीं इससे पहले राज्य के नहरों में रबी फसल की सिंचाई के लिए पानी दे दिया जाएगा। पटना में IG ने 15 और 16 नवंबर को विशेष ड्राइव चलाने का दिया निर्देश। पटना जिला में अपराधियों को पकड़ने के लिए 15 और 16 नवंबर को विशेष ड्राइव चलाने का निर्देश जारी किया गया है। इस विशेष अभियान में बाइक, कार चेकिंग, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और शराब माफिया का पकड़ने के लिए पटना समेत पूरे जिले में छापेमारी चलेगा। इसमें SSP भी शामिल रहेंगे। IG राकेश राठी ने सभी SP SSP समेत थानेदारों को ये निर्देश जारी किया है कि कहीं भी कोई वारदात हो जाए तो पुलिस परिजन के लिखित आवेदन का इंतजार न करे, वो खुद के बयान पर केस के मामले की जाँच तहकीकात शुरू कर दी जाए। कभी भी इन सब मामलों को मजाक में नहीं लेना चाहिए। मुख्यमंत्री ने जनता दरबार में सुनी कुल 84 फरियादियों की फरियाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते दिन नवंबर महीने के दूसरे सोमवार को जनता दरबार में कुल 84 फरियादियों की फरियाद सुनी। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, वित्त विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग सहित अन्य विभागों से जुड़ी समस्याओं को सुना। इस दौरान लखीसराय से आई एक महिला फरियादी ने आंगनबाड़ी सेविका के चयन में अनियमितता बरते जाने की शिकायत की
और एक ऐसा ही मामला पूर्वी चंपारण से आया, जहां से आई एक महिला ने सीएम को बताया कि वर्ष 2017 में उनका आंगनबाड़ी सेविका में चयन हो गया है, लेकिन अभी तक योगदान नहीं दिलाया गया है। अरवल जिला से आई एक छात्र ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाते हुए कहा कि वर्ष 2019 में मैट्रिक पास किया, लेकिन अब तक 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि नहीं मिल पाई है। और इसी के साथ बीते दिन सीएम ने कुल 84 लोगों की शिकायतों को सुन त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रदेश के न्यूनतम तापमान में आ रही है 2 से 3 डिग्री की कमी। पटना समेत राज्य के सभी जिलों में तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। राज्य के कुछ शहरों का न्यूनतम तापमान 4.5 डिग्री तक नीचे चला गया है। सीजन का सबसे कम तापमान समस्तीपुर के पूसा में दर्ज किया गया है। पूसा का न्यूनतम तापमान सुबह में बीते दिन 11.5 डिग्री दर्ज किया गया। पिछले 24 घंटे में यहाँ के न्यूनतम तापमान में 4.4 डिग्री की कमी आई है। वहीं मौसम विभाग के पूर्वानुमानों की माने तो राजधानी पटना में भी ठंड में बढ़ोतरी हुई है। यहां का न्यूनतम पारा 2.8 डिग्री की गिरावट के साथ 14.4 डिग्री दर्ज किया गया है। गया के तापमान में भी 2.6 डिग्री की कमी दर्ज की गई है। यहां न्यूनतम तापमान 11.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में पछुआ हवा का प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। बिहार के दरभंगा जिले में मिला रहस्यमय गिद्ध। बिहार के दरभंगा जिले के हावी भौर गांव में ग्रामीणों के द्वारा एक ऐसा गिद्ध देखा गया है जिसके पीठ पर कैमरा यानी सेंसर की तरह कोई डिवाइस लगा हुआ है। उसके साथ ही गिद्ध के पंजे में भी एक रिंग के आकार का कुछ लगा दिखाई दिया, जिसके बाद ग्रामीणों के द्वारा तुरंत इसकी सूचना बेहरी थाना को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इसकी जांच की और इससे जुड़ी सारी जानकारी वन विभाग को दी गई। जानकारी के लिए बता दें कि ग्रामीणों के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस गिद्ध को पिछले कई दिनों से गांव के ऊपर मंडराते हुए देखा गया था। फिलहाल गिद्ध को कब्जे में ले लिया गया है और अब इसकी जाँच की जा रही है। जाँच के दौरान यह भी पता लगाया जा रहा है कि गिद्ध के पीठ पर किस तरह का यंत्र लगाया गया है और इसे लगाने वाले कौन है। मुख्यमंत्री व राज्यपाल ने जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। बीते दिन देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस मनाया गया। इस मौके पर पटना के पुनाई चक में जवाहरलाल नेहरू की नई मूर्ति लगवाई गई है। वहीं राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई नेताओं ने इस मौके पर पंडित नेहरू की नई मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती के मौके पर माल्यार्पण के बाद राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने वृक्षारोपण भी किया। राजकीय समारोह के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और विधायक राजेश राम ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार ने जवाहरलाल नेहरू को पहले से बेहतर स्थान दिया है। आज जारी किया जा सकता है बीपीएससी 67वीं प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम। बहुप्रतीक्षित बीपीएससी 67वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा 2022 का परिणाम आज या फिर बुधवार की शाम जारी किया जा सकता है। इसमें सफल होने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। बता दें कि इस परीक्षा में करीब 4,75,000 उम्मीदवार शामिल हुए थे। ये उम्मीदवार अपना रिजल्ट आयोग की आधिकारिक वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर देख सकेंगे। वहीं परिणाम जारी करने से पहले आयोग की बैठक आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि बीपीएससी 67वीं प्रतियोगिता परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण पहले ले ली गई परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। यह परीक्षा आयोग द्वारा दूसरी बार आयोजित करवाई गई है। ईंट भट्टे से होने वाले प्रदूषण पर पटना हाई कोर्ट में कार्रवाई। अवैध रूप से चलाए जाने वाले ईंट भट्टे से होने वाले प्रदूषण के मामले को लेकर पटना हाई कोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई। इस दौरान बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा खंडपीठ के समक्ष कार्रवाई से जुड़ी मामले को लेकर रिपोर्ट को प्रस्तुत किया गया। फिलहाल कोर्ट को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बातों पर संतोष जाहिर किया है, लेकिन इस मामले की अगली सुनवाई बाद में दे दी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछली सुनवाई में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण के द्वारा कोर्ट को कहा गया था कि जो भी ईंट भट्टे अवैध रूप से चलाए जा रहे हैं उन सभी को तत्काल बंद करवा दिया जाए और साथ ही उनके प्रति कानूनी कार्रवाई भी कराई जाए। अंबिका स्थान इस वजह से है बेहद खास। अंबिका स्थान छपरा से लगभग 37 किलोमीटर पूर्व और दिघवारा से 4 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में दिघवारा रेलवे स्टेशन के पास दिघद्वार था और यह स्थान दिघवारा के नाम से जाना जाता था। अंबिका में एक पुराना मंदिर है जिसे अंबा अस्त के नाम से जाना जाता है। मंदिर के पास एक बगीचा और एक गहरा चौड़ा कुआं है जिसमें पानी पूरी साल रहता है और यह कभी नहीं सूखता। दूर से आस्तिक इस यज्ञ कुंड पर उसकी स्मृति में स्थापित भेंट करने के लिए आते हैं। दूर दूर से विश्वासी अप्रैल और अक्टूबर के नवरात्र में भेंट अर्पित करने आते हैं। लाखों लोगों द्वारा यहां चढ़ाया जाने वाला पानी कुंड में गायब हो जाते हैं। तो के युवाओं के लिए अग्निवीर बहाली प्रक्रिया शुरू।
मुजफ्फरपुर में अग्निवीर की बहाली प्रक्रिया शुरू हो गई है। बीते दिन सोमवार को बहाली प्रक्रिया का दूसरा दिन रहा, जहां गया, रोहतास, कैमूर जिले से आए करीब 4000 के करीब युवाओं ने इस पद पर बहाली के लिए पसीने बहाए। वहीं इससे एक दिन पूर्व रविवार को मुजफ्फरपुर के चक्कर मैदान, पहले दिन अरवल, औरंगाबाद, जमुई, जहानाबाद, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, नवादा व शेखपुरा के करीब चक्कर मैदान पहुंचे थे, जहां 200 बैच बनाकर ट्रैक पर शारीरिक दक्षता परीक्षा की जांच की गई। वहीं अब 17 नवंबर से मुजफ्फरपुर सेना भर्ती बोर्ड की बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 10 साल में एक बार आधार कार्ड अपडेट कराना जरूरी नहीं। कुछ दिनों से यह खबर सामने आ रही थी कि अगर आपके आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा के हो गए हैं तो उसे जल्द ही अपडेट करवाएं। हालांकि UIDAI के द्वारा प्रेस रिलीज कर इस बारे में जानकारी देते हुए कहा गया है कि हाल ही में जारी एक प्रेस रिलीज में ये स्पष्ट रूप से बताया गया है कि देश के नागरिक हर 10 साल के पूरा होने पर ऐसा कर सकते हैं, यानी अपने आधार कार्ड को अपडेट करा सकते हैं, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। वहीं UIDAI के द्वारा एक नंबर जारी किया गया है, जिसमें आप कॉल कर आधार कार्ड से जुड़ी किसी भी समस्या का हल करवा सकते हैं। यह हेल्पलाइन नंबर 1947 है, जो कि हिंदी, अंग्रेजी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया और उर्दू में उपलब्ध है। बिहार में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थायी पदों पर होगी बहाली। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में विशेष भूमि सर्वेक्षण के लिए संविदा पर बहाली की जा रही है। इसके लिए विभाग के संयुक्त सचिव कंचन कपूर ने 31 जिलों के DM को पत्र लिखकर राजस्व कर्मचारियों के रिक्त पदों का विवरण मांगा है। इसके साथ ही कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनसे फिलहाल रिक्तियां नहीं मांगी गई है, जिनमें सुपौल, बेगूसराय, कैमूर, लखीसराय, शिवहर, किशनगंज और कटिहार जिले शामिल हैं। DM को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 2014 तक की रिक्तियों को भर दिया जाए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 22 सितंबर को मुख्यमंत्री ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा की थी। उसी में उन्होंने रिक्तियों को जल्द से जल्द भरने का निर्देश दिया था। जनवरी 2014 तक की रिक्तियों को भरने के लिए इसी साल 4353 राजस्व कर्मचारियों की बहाली स्थायी पदों पर हुई थी। पश्चिम चंपारण में VTR के सीमावर्ती गांव में दिखेगा बदलाव। पश्चिम चंपारण में VTR के सीमावर्ती गांव अब दूधिया रोशनी से जगमग होंगे। बता दें कि VTR के आसपास सोलर लाइट लगाने का कार्य किया जा रहा है। इससे न केवल ग्रामीणों को जंगली जानवरों से सुरक्षा मिलेगी, बल्कि इसके द्वारा जानवरों पर भी विशेष नजर रखी जा सकेगी। बता दो चले कि अभी मुंगड़ाहा, हरकटवा, बजनी, जिमहौली में 50 सोलर लाइट लगाए जा चुके हैं। इन लाइटों के लगने से ग्रामीणों और जानवरों के बीच हिंसा कम होगी और जानवर और मनुष्य दोनों सुरक्षित रह पाएंगे। आपकी जानकारी के लिए दे कि यह प्रोजेक्ट लाइवलीहुड कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के द्वारा किया जा रहा है। वहीं मुख्यतः इस लाइट को लगाने के पीछे की वजह यही है कि जंगली जानवर अपना रुख गांव की ओर न कर सके। इसके साथ ही अगर कभी जंगली जानवर गांव में घुस भी आते हैं तो ग्रामीण रोशनी में जानवर को देख वन विभाग को सूचित कर सकेंगे। शराबबंदी पर विपक्ष के बाद कांग्रेस ने भी सरकार को घेरा। बिहार में शराबबंदी को लेकर महागठबंधन के सहयोगी दल जीतन राम मांझी के बाद अब कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने शराबबंदी को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में शराबबंदी लागू करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन इसमें समय के अनुसार कुछ संशोधन भी किए जाने चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि ऐसे समय समय पर कुछ संशोधन किए गए हैं, लेकिन ये काफी नहीं है, इसमें और भी संशोधन करना जरूरी है। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी को सही ढंग से लागू किया जाए, जिससे यह सफल हो और जिस वजह से शराबबंदी की गई थी वो सफल हो सके। चिराग की NDA में वापसी को लेकर पारस ने कही ये बात। चिराग पासवान की NDA में वापसी की खबर सियासी गलियारे में पूरी तरह आग की तरफ फैल गई है और इस आग को हवा देने का काम किया था चिराग पासवान ने, जब उन्होंने मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए निकले थे। ऐसे में चिराग के NDA में आने को लेकर अब चाचा पशुपति पारस ने भी बड़ी बात कही है। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पशुपति पारस से जब इस बारे में पूछा गया तो पशुपति पारस ने भतीजे से अपने रिश्ते को वापस सुधारने को लेकर NDA में वापसी कर रहे हो सकता है कि कल हमारे रिश्ते भी सुधर जाए। व्यक्ति बलवान नहीं होता, समय बलवान होता है, कुछ भी हो सकता है। मिटती दिखी भाजपा और राजद की दूरियां। बीते दिन सोमवार को भाजपा और राजद का ऐसा नजारा देखने को मिला जिसे जानकर आप चक्कर में पड़ जाएंगे।
दरअसल बिहार के रोहतास जिले में बने नवनिर्मित पुल के शिलान्यास के मौके पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने एक दूसरे की जमकर तारीफ की। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है, काम करने वालों को हर जगह गुणगान होता है। इसके साथ ही उन्होंने नितिन गडकरी के लिए कहा कि वे पार्टी नहीं बल्कि देश के लिए विकास का काम करते हैं। वहीं नितिन गडकरी ने भी तेजस्वी यादव को कहा कि आप सड़कों की योजनाएं लेकर आए, सभी को पूरा किया जाएगा। इसके साथ ही नितिन गडकरी ने अपील की है कि तेजस्वी यादव एथेनॉल को ईंधन के रूप में बढ़ावा दे। जानकारी के लिए बता दे कि इससे पहले भी नितिन गडकरी और तेजस्वी यादव एक दूसरे की तारीफ करते नजर आ चुके हैं। इस दौरान तेजस्वी ने पूर्वांचल एक्सप्रेस को भागलपुर तक विस्तार देने की गडकरी से मांग की। साथ ही पटना में जाम की समस्या से मुक्ति के लिए कच्ची दरगाह से पटना एम्स तक एलिवेटेड सड़क योजना को मंजूरी देने की मांग की। भारतीय टीम में सपोर्ट स्टाफ की संख्या पर पूर्व खिलाड़ी ने उठाए सवाल। T20 वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल हारने के बाद से भारतीय टीम की कमियों पर अब सबकी नजर ज्यादा पड़ने लगी है। वहीं इस हार के बाद भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने टीम इंडिया की कमियों को लेकर खुलकर बात की। उन्होंने टीवी चैनल से खास बातचीत में टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ पर भी सवाल खड़े किए। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज सुनील गावस्कर ने कहा कि जब आपके पास ऑल टाइम फेवरेट बल्लेबाज राहुल द्रविड़ मौजूद हैं तो आपको बैटिंग कोच की आवश्यकता नहीं है। जब राहुल द्रविड़ कुछ कहते हैं और विक्रम राठौर कुछ और कहते हैं तो बैटर कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको समझना होगा कि आपको ज्यादा सपोर्ट स्टाफ की जरूरत नहीं है और उन्हें टीम के साथ ना भेजें, केवल उन्हें ही भेजें जिसकी आवश्यकता है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। समाज सुधारक राजा राम मोहन राय 1830 में इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। भारत की प्रथम महिला बैरिस्टर कॉर्नेलिया सोराबजी का जन्म 1866 में हुआ। भारत प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आदिवासी नेता बिरसा मुंडा का जन्म 1875 में हुआ। अशोक चक्र से सम्मानित भारतीय वायुसेना के शहीद गरुड़ कमांडो में से एक ज्योति प्रकाश निराला का जन्म 1986 में हुआ। प्रसिद्ध भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का जन्म 1986 में हुआ। हिंदी साहित्यकार जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 में हुआ। सामाजिक कार्यकर्ता विनोबा भावे का निधन 1982 में हुआ। भारत के प्रसिद्ध कवि कथाकार और एकांकीकार आरसी प्रसाद सिंह का निधन 1959 में हुआ। मथुरा के प्रसिद्ध संत जिन्होंने विख्यात प्रेम मंदिर का निर्माण करवाने वाले कृपालु महाराज का निधन 2013 में हुआ। हिंदी के सम्मानित कवियों में गिने जाने वाले कुंवर नारायण का निधन 2017 में हुआ। वायरल खबर में आज हम बात करेंगे भारतीय मिशन रोजगार योजना के बारे में। सोशल मीडिया पर कई सूचनाएं वायरल होती हैं, लेकिन सभी सच हो ये जरूरी नहीं है। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतीय मिशन रोजगार योजना के बारे में। दरअसल PIB ने अपने एक ट्वीट में लिखा है कि केंद्र सरकार की भारतीय मिशन रोजगार योजना के तहत उम्मीदवार द्वारा आवेदन शुल्क देने पर ग्राहक सेवा प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किए जाने का दावा किया जा रहा है। PIB ने आगे लिखा कि यह दावा फर्जी है। भारतीय मिशन रोजगार योजना के तहत ऐसी कोई योजना नहीं चलाई जा रही है, ऐसी ठगी से सावधान रहें। Zoom ने मॉडर्न वर्क कल्चर के लिए की नई फीचर्स की घोषणा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म Zoom ने हाइब्रिड युग में आधुनिक कार्य अनुभवों को सशक्त बनाने के लिए नई सुविधाओं की घोषणा की है। अपने एनुअल Zoom ने 4 नए फीचर्स लॉन्च किए हैं। इनमें मेल और कैलेंडर, स्पोर्ट्स वर्चुअल एजेंट, IQ वर्चुअल कोच शामिल हैं। मेल और कैलेंडर क्लाइंट फीचर्स के साथ उपयोगकर्ताओं को अपने ईमेल और कैलेंडर तक पहुंचने के लिए प्लेटफॉर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि दोनों सेवाओं को सीधे प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया जाएगा। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर बोले गिरिराज। बीते दिन बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य की कानून व्यवस्था को बदतर बताते हुए बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिस तरह से राज्य में अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, उसके अनुसार जंगल राज एक बार फिर से कायम हो गया है। पूरे राज्य में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन बिहार सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए जा रहे। उन्होंने कहा कि अगर बेगूसराय में एथेनॉल की कंपनी खुल रही है तो हम ताली भी आपके लिए बजाएंगे, लेकिन अगर आप क्राइम कंट्रोल करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं तो गाली भी आपको ही देंगे। अगर ऐसी स्थिति में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर नहीं बनाए जाते हैं तो लालू जी का जंगल राज नहीं बल्कि नीतीश जी का जंगल राज कहलाया जाएगा। हाईकोर्ट
ने इस मामले में बिहार सरकार को किया तलब। पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा है कि राज्य में बड़ी संख्या में अनुसूचित जनजाति के छात्रों के बीच में स्कूल छोड़ जाने पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा मांगा है। दरअसल बीते दिन पटना हाई कोर्ट ने पश्चिम चंपारण जिले में राज्य के एकमात्र अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए स्कूल की दयनीय अवस्था के मामले में हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि बिहार में अनुसूचित जनजाति की बालिकाओं के लिए पश्चिम चंपारण में हरना टांड एकमात्र स्कूल है। पहले यहां पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती थी, लेकिन जब से इस स्कूल का प्रबंधन सरकार के हाथों में गया, इस स्कूल की स्थिति बदतर हो गई है। कक्षा 7 और 8 में छात्राओं का एडमिशन बंद कर दिया गया। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 नवम्बर को होगी। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है अमर आजाद, कुश कुमार यादव, नुन्नु गोलू कुमार, रंजीत मिश्रा, मनोज कुमार, देव कुमार यादव, नीरज ठाकुर, के सिन्हा, सुशील कुमार, अब्दुल्ला आजाज, शंकर मुखिया, मृत्युंजय कुमार, संजय पंडित, राजू कुमार, कुलदीप कुमार। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके अनुसार बिहार सरकार के द्वारा लगाए जाने वाले रोजगार मेला से युवाओं को कितना लाभ पहुंचता है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।